हेलो क्लास, वेलकम टू यू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। क्लास, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर 9 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ओके, इन फर्स्ट टाइम द स्ट्रगल स्टार्टेड एज इन 1857, माने 1857 में फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल था वो स्टार्ट हो चुका था। ओके, सो द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ द 1857 वी नो, माने हम सभी 1857 को एक ग्रेट अपराइजिंग के रूप में जानते हैं। ओके, हाफ 18th सेंचुरी एंड स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी वाज द अवेकन टाइम इन इंडियन पीपल, माने 18th हाफ एंड 19th सेंचुरी जो था वो क्या था, इंडियन पीपल के लिए एक अवेकन टाइम था। ओके, बिकॉज एवरी इंडियन वॉन्टेड टू द एवरी इंडियंस वॉज ट्रबल ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, माने हर इंडियन जो था वो ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन यानी उसके शोषण से परेशान हो चुका था। सो एवरीबडी वॉन्टेड टू द फ्रीडम, इसलिए हर व्यक्ति क्या चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था। ओके, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, कि हाउ इंडियन पीपल्स स्प्रेड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, माने इंडियन पीपल्स में नेशनलिज्म फीलिंग जो थी वो किस तरह से राइज हुई। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स, माने कई फैक्टर्स थे, कई रीजंस थे इंडियन पीपल्स में जिससे एवरीबॉडी वांटेड टू द फ्रीडम। ओके, उन फैक्टर्स में जो फैक्टर्स थे वो क्या था, फर्स्ट जो फैक्टर्स था वो क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, इंडियन पीपल का बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते थे, आर्थिक शोषण करते थे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अकॉर्डिंग जैसे जो भी हमारी विलेज इकोनॉमी थी, माने वहां पर क्या था, सेल्फ इफिशियंट माने सेल्फ सफिशियंट वॉज नॉट स्टैंडर्ड, माने जहां लोग क्या थे, सेल्फ सफिशियंट नहीं थे, उनके ऊपर भी कई ऐसी चीजें थी। नेक्स्ट, जैसे जो हमारे किसान थे उनमें भी, यानी जो किसान थे उनकी भी कंडीशन क्या थी, बहुत ही माइजरेबल थी, बिकॉज उनके ऊपर जो भी रेवेन्यू लगता था, जो भी टैक्सेस थे वो कैसे थे, बहुत ही हायर थे। ओके, नेक्स्ट, इंडियंस हैड मिनिमम रोल इन द रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, माने इंडियन पीपल्स को हायर रैंक नहीं दी जाती थी। ओके, माने इंडियंस पीपल डज नॉट हैव टू हायर रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेशन, माने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन व्यवस्था में कोई भी उन्हें हायर रैंक नहीं थी। नेक्स्ट आगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन थे, इकोनॉमिक चेंजेस बहुत सारे हुए थे। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, माने इसी पीरियड में, इसी टाइम पीरियड में क्या था, ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न एजुकेशन भी स्टार्ट की थी। ओके, इसका भी इम्पैक्ट हमारे इंडियन पीपल पर पूरा था, बिकॉज स्प्रेड ऑफ इंडियन मॉडर्न एजुकेशन से जो हमारे पास वेस्टर्न थॉट्स थे, लिटरेचर थे, उसका भी इंपैक्ट हमारे इंडियन पीपल पर पूरा था। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्रेस, तो 1857 से क्या था, से पहले क्या था कि लोगों के पास कोई भी चीज इन रिटन अवेलेबल नहीं होती थी। ओके, बिकॉज दे हैव नो, तो ओनली इतनी जल्दी किसी चीज का कम्युनिकेशन करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। सो रोल ऑफ द प्रेस वॉज द मोर इफेक्टिव इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया। ओके, तो रोल ऑफ प्रेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट, टुडे वी डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल एसोसिएशन। पॉलिटिकल एसोसिएशन से हमारा मतलब है, पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, तो पॉलिटिकल एसोसिएशन से हमारा मतलब है कि राजनीतिक संगति क्या थी। ओके, व्हाट वर द पॉलिटिकल एसोसिएशन इन दैट टाइम, तो इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक क्या था, मिडिल एसोसिएशन यानी मिडिल एसोसिएशन बिगेन टू बी फॉर्म बाय द इंडियन, माने मिडिल पॉलिटिकल एसोसिएशन जो था वर्ल्ड पीपल्स में पूरी तरह से बिगेन स्टार्ट हो चुका था। दीज एसोसिएशंस डिमांडेड, माने इस एसोसिएशन की जो डिमांड थी, माने जो मांग थी वो क्या थी, कि अमंग अदर थिंग्स ऑस्ट्रिया टू द इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, कि इंडियंस पीपल को भी, माने इंडियंस पीपल को भी
हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर दिया जाए, बिकॉज दे वॉन्टेड टू हायर रैंक इन एडमिनिस्ट्रेशन, माने हमारी जो भी प्रशासन व्यवस्था है हमारे देश की, उसमें भी इंडियंस पीपल को एक मौका दिया जाए। ओके, दीज एसोसिएशन वाज फॉर्मड इन प्रेसिडेंसी टाउन, और जो भी एसोसिएशन है वो क्या हो, प्रेसिडेंसी टाउन्स में हो। यानी प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन कौन से थे उस समय, कलकत्ता था, कलकत्ता नाउ इन कोलकाता, बॉम्बे नाउ इन मुंबई, मद्रास नाउ इन चेन्नई। द इम्पोर्टेंट एजेंट्स वर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो इम्पोर्टेंट ब्रिटिश एसोसिएशन थे इन दैट टाइम वो 1851 में, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। ओके, अदर इम्पोर्टेंट एसोसिएशन वर, माने दूसरे जो एसोसिएशन थे, दूसरे जो संगति हमारी जो थी इम्पोर्टेंट, वो क्या थी, पूना सार्वजनिक सभा। ओके, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन एंड इंडियन एसोसिएशन, माने जो भी हमारी भारतीय संगति थी, एज द यानी दियर ऑब्जेक्टिव्स वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंट्री, माने जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, हमारे देश के ऑब्जेक्टिव थे, एंड एज होल, माने इसका मतलब संपूर्ण रूप से, and reason of community, however later a few association which represented the interest of particular community were also formed. माने ये association जो थी वह कुछ लोगों की नहीं थी या कुछ लोगों के लिए नहीं थी, ये क्या थी, पूरे देश, माने पूरे देश के लिए थी। Next we discuss Indian National Congress. Indian National Congress के बारे में हम लोग discuss करेंगे, तो Indian National Congress की स्थापना किसने की थी, तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ए ओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। ओके, ए ओ ह्यूम कौन थे, आर रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट, माने एक रिटायर्ड इंग्लिश सर्विस सर्वेंट थे, प्लेड अ लीडिंग रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, माने इन्होंने सबसे, माने इनका जो रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इन्हें क्या ए ओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। सो द फुल नेम ऑफ ए ओ ह्यूम वॉज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस विथ सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन लीडर्स, माने इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी किसके साथ, विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन लीडर्स, माने इंडियन लीडर्स के साथ। इंडियन लीडर्स कौन कौन से थे, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता एंड डब्ल्यू सी बनर्जी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड, माने इन सभी नेताओं के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ओके स्टूडेंट्स, फिर से आप देख लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्मेशन, यानी द लीडिंग रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड इट इज इंक्लूडेड बाई इंडियन लीडर्स, यानी इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता एंड डब्ल्यू सी बनर्जी, and Indian National Congress was founded. Okay, next, the first session of the Congress was held in December 1885 in Bombay. माने जो Indian National Congress का पहला session था वो Bombay में 1885 में held किया गया था. The president of this session was W.C. Banerjee. माने इस session के जो president थे वो कौन थे, W.C. Banerjee. Okay. The aim of the Congress that were decided upon were, माने उस समय कांग्रेस के aim were, aim क्या थे, माने जो कांग्रेस की foundation यानी कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी उसके aim क्या थे, what were the aims of Indian National Congress, Indian National Congress के aims क्या थे, तो first aim क्या था, कि formulation of the popular demand and presenting them to the government, माने formulation of the popular demand, माने जो भी popular demands है उनकी formulation करना, and presenting them to the government, और उन्हें सरकार के सामने present करना। Okay, next है promotion of national unity, माने दूसरा जो एक था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो क्या था, promotion of the national unity, national unity को promote करना, माने वे सभी ये चाहते थे कि they wanted to promotion of the national unity, माने वे national unity को promote करना चाहते थे, bringing together leaders from different part of the country. और थर्ड जो एम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो क्या था, कि इंडियन माने हमारे देश के अदर पार्ट से भी सारे नेताओं को एक साथ लेना, यानी ब्रिंगिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री।
Next, removing racial caste and religious predictions. इसमें क्या था, माने जो हमारे कंट्री में, माने जो हमारे देश में उस समय क्या थी, जातीय विभिन्नता थी, दूसरी जो भी धार्मिक, माने जो धार्मिक विभिन्नता थी, इन सब को पूरी तरह से रिमूव करना, हटाना. Next, creating a public opinion among the people of India. माने तथा देश के लोगों, among the people of India, माने देश के लोगों के बीच क्रिएटिंग अ पब्लिक ओपिनियन, माने पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करना. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस की द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर. माने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था कि एक यूनिटी, माने एक सभा करते थे. कब? इन एवरी ईयर ऑफ दिसंबर, माने दिसंबर, माने दिसंबर के महीने में, हर मंथ, सॉरी हर ईयर, एवरी ईयर इन मंथ ऑफ दिसंबर, यूजुअली डिफरेंट रीजन ऑफ एवरी टाइम. क्या था, हर बार अलग अलग प्लेस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड अ मीटिंग इन मंथ ऑफ दिसंबर. माने हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मीटिंग हेल्ड करती थी इन मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अर्ली नेशनलिस्ट एंड मॉडरेट्स. अर्ली नेशनलिस्ट माने जो पहले हमारे राष्ट्रीय नेशनलिस्ट थे, माने जो पहले हमारे राष्ट्रीय नेता थे, एंड मॉडरेट यानी जो उदारवादी थे. ओके, माने जो पहले हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो हमारे अर्ली राष्ट्रीय नेता थे, वो कैसे थे, उदारवादी थे. बिकॉज दे वांटेड ओनली टू फ्रीडम बाय प्रेयरिंग, माने वो केवल प्रेयर के द्वारा या प्रार्थना करके ही केवल वो स्वतंत्रता पाना चाहते थे. अर्ली जो नेशनलिस्ट थे वो कैसे थे, हम लोग ये कह सकते हैं कि देयर थॉट्स वर वेरी सिंपल, माने उनके जो थॉट्स थे बहुत ही सिंपल थे. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्ली नेशनलिस्ट कैसे थे, जो हमारे प्रारंभ में, माने स्टार्टिंग जिन्होंने की थी स्ट्रगल की, वो हमारे लीडर्स कैसे थे. तो द फर्स्ट 20 इयर्स ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1885 से 1905 तक, यानी 1885 में फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल की कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885. ओके, द फर्स्ट 20 इयर्स ऑफ द कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1905 वाज मेंशन एज अ अर्ली नेशनलिस्ट फेज. माने इसे इस टाइम पीरियड को, यानी 1885 टू 1905 के टाइम पीरियड को भी आल्सो नोन एज द नेशनलिस्ट फेज या मॉडरेट फेज. माने इसे मॉडरेट फेज, यानी उदारवादी फेज, या इसे नेशनलिस्ट फेज के नाम से जानते हैं. ओके, द लीडर फॉलोड अ मेल्ट एंड मॉडरेट पॉलिसी. माने जो भी हमारे यहाँ लीडर्स थे, माने जो भी लीडर्स थे, वो क्या करते थे, माइल्ड एंड मॉडरेट पॉलिसी, माने हमेशा हल्के और उदारवादी पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे. पॉलिसी ऑफ द पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी जो थी वो कैसी थी, एज अ प्रेयर एंड पिटीशन. माने केवल दे यूज ओनली प्रेयर, दे यूज ओनली प्रेयर एंड पिटीशन. प्रेयर यानी ये क्या करते थे, दे वांटेड टू फ्रीडम एज अ प्रेयर एंड पिटीशन. माने ये केवल प्रार्थना करते थे, एंड दे गेव टू द पिटीशन, यानी याचिका देते थे. Their aim was revolution, माने जो भी इनका aim था, जो भी इनका उद्देश्य था, वो केवल क्या था, मोल भाव करना था. Okay, was not protection. Protection मतलब इनका मतलब ब्रिटिशर्स का सामना करना नहीं था. Okay, because they wanted only to the prayer and petition, माने केवल ये प्रार्थना और याचिका के द्वारा स्वतंत्र रहते थे. These were या प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस फेज वर, इट्स लीडर माने इसके जो प्रोमिनेंट यानी प्रमुख नेता थे, जो थे वो कौन कौन से थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एस एन बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग एंड एफ जी रमणे. ओके, दीज वर द इम्पोर्टेंट, या दीज वर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दिस फेज. ओके, ड्यूरिंग दिस फेज, माने इस फेज के दौरान, कांग्रेस क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी. माने गवर्नमेंट, कांग्रेस ने क्या किया था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया था. ओके, इस टाइम पीरियड के दौरान द कांग्रेस स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट
एंड डिमांडेड रिफॉर्म, मान उसने क्या किया था, जो भी उसकी पॉलिसी थी उस पर उन्होंने रिफॉर्म करने की मांग रखी थी. ओके, दे हैड फेथ इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिलीव्ड, दे हैड फेथ इन ब्रिटिश सिस्टम, क्योंकि कांग्रेस के उन नेताओं को समय क्या था, दे हैव फुल फेथ इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, माने उन्हें उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा था. ओके, एंड बिलीव दैट इंडिया कुड डेवलप बाय स्टेइंग विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, माने उनका ये भी कहना था कि इंडिया कुछ ही क्षणों में, कुछ ही टाइम पीरियड के बाद ब्रिटिशर्स की सिस्टम या ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में डेवलप करेगी. दे डिड नॉट डिमांड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसलिए उन्होंने किसी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं की थी. ओके, सो दे डिड नॉट डिमांड द डोमिनेशन, बट द डोमिनेशन स्टेट एंड ऑटोनॉमी एज स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर. सम ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अर्ली बिजनेस पर देखिए, कुछ अर्ली जो हमारे नेशनलिस्ट थे उनकी कुछ डिमांडेड जो थी वो क्या थी, अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियंस टू द हाई पोस्ट, कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर, मतलब जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है उस पर, उसे हाई पोस्ट पर इंडियंस को अपॉइंटमेंट दिया जाए. ओके, नेक्स्ट, कंडक्टिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंडिया, तथा जो भी हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट होते हैं वो इंडिया में कंडक्ट कराए जाए. रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, माने जो भी हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसमें रिडक्शन किया जाए. रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस में रिडक्शन किया जाए. मेकिंग पॉलिसीज टू बेनिफिट ऑफ द इंडियन स्टडीज, इंडियन इंडस्ट्रीज, तथा इंडियन इंडस्ट्रीज की बेनिफिट के लिए कई पॉलिसी भी बनाई जाए. ओके, बट दिस वाज रियलाइज्ड, लेकिन वे बहुत जल्दी इस बात को जान चुके थे कि दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट पेड लिटिल ही टू द डिमांड ऑफ कांग्रेस, माने कांग्रेस की जो भी डिमांड थी उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ध्यान नहीं दे रही थी. ओके, थ्रू एसेंशियली एटीट्यूड वाज सिंपैथेटिक टू द कांग्रेस, माने जबकि वो केवल कांग्रेस पर केवल सिंपैथी जता है. ओके स्टूडेंट, तो टुडे आई हैव डिस्कस्ड मेनी टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास.